हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को सलाम। और जय मसीह की मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करते हैं कि हम जीवित और भले चंगे हैं। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। इस समय में परमेश्वर ने हम सभी को संभाला, रक्षा किया, जीवित रखा, भला चंगा रखा, इसलिए मैं परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करता हूँ। और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी आनंदित और खुश होंगे। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो सर्वशक्तिमान है। वो महान राजा होने के बाद भी हम मनुष्यों को वो हर पल, हर घड़ी, हर सेकंड बचाता है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। हालेलुया। इसलिए आज हम प्रार्थना करेंगे और उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। उपवास की प्रार्थना के द्वारा आज हर एक छुटकारा मिलने वाला है, हर एक बंधन टूटने वाले हैं। उपवास के आज की प्रार्थना के द्वारा आपके हर प्रकार के संकट खत्म होने वाले हैं। प्रभु आपको छुटकारा देगा, प्रभु आपको चंगाई देगा, प्रभु आपको सहायता करेगा। प्रभु के नाम की महिमा करें, क्योंकि जब हम आराधना करते हैं तो आराधना में छुटकारा है। क्योंकि आज हम आराधना करने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, और आज शैतान शैतान की हर एक युक्तियों को फेल करने वाले हैं। हालेलुया। तो आइए मेरे साथ आराधना में जाएं, क्योंकि आराधना में छुटकारा है मेरे दोस्तों। एक आराधना एक ऐसा भाग है जिसमें हम परमेश्वर को महसूस कर सकते हैं, परमेश्वर को अपने करीब ला सकते हैं। तो हमें अवश्य है कि हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। मेरे दोस्तों, जब हम आराधना करते हैं, सचमुच में मैंने महसूस किया है, जब हम आराधना करते हैं तो प्रभु को हम अपने करीब लाते हैं, प्रभु को अपनी ओर खींच लाते हैं मेरे दोस्तों। और प्रभु यही चाहता है हमसे। इसलिए आइए हम परमेश्वर के कदमों में जाएं और प्रभु की महिमा करें, प्रभु की आराधना करें, क्योंकि वो आराधना के योग्य है। वो स्तुतियों पर विराजमान खुदा है। हालेलुया। वो हमारी आराधना पर विराजता है मेरे दोस्तों। इसलिए जब हम उसकी आराधना करें आत्मा और सच्चाई से, हमारे मन परमेश्वर की ओर उठना चाहिए मेरे दोस्तों। कई बार हम क्या करते हैं कि हम आराधना करते हैं लेकिन हमारा मन परमेश्वर की ओर नहीं, बल्कि कई सांसारिक बातों के ऊपर, या हो सकता हमारे खेतीबाड़ी के ऊपर, हो सकता हमारे बिजनेस में, हो सकता हमारी नौकरी में, कई जगह हमारा मन भटकता है। लेकिन आज हमारे मन को केंद्रित कीजिए, हमारे अपने मन को केंद्रित कीजिए और प्रभु के ऊपर अपने नजरों को उठाइए, क्योंकि प्रभु हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। आइए हम उसकी आराधना करें। ईशु तेरा धन्यवाद, ईशु तेरा धन्यवाद, कम्मा बाबा ऋषि कन्नला परमेश्वर, तेरे समान कोई नहीं है ईशु मसीह, तेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। हालेलुया। ईशु मसीह, तेरे जैसा हमसे प्रेम करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है खुदा। इसलिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। ईशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। एक बार फिर से हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया,
हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने तुमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम सब मिलकर हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। तू हमारा खुदा है, खुदा तू हमारा पिता है। हालेलुया, ओ यीशु तेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। हालेलुया, ओ यीशु मसीह इस दुनिया में तेरे जैसा कोई नहीं है, जो तूने हमसे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि तू अपने आप को उस कलवरी क्रूस के ऊपर वो दुख सह लिया। हालेलुया, उस मेमने के समान, वो जो वध किया जाता है उस मेमने के समान अपने आप को यीशु तूने उस कलवरी क्रूस के ऊपर दुख सहा। हालेलुया, खमा बाबा बारिश करने लगा, राधा दादा दा नला रा बाला रा बाबा बारिश करने लगा। ओ पिता आपका धन्यवाद, पिता आपका धन्यवाद, तूने हमसे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि तूने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के खातिर, हमारे गुनाहों के खातिर, हमारे हर प्रकार के पाप के खातिर उस कलवरी क्रूस के ऊपर दे दिया। हालेलुया, ताकि पिता परमेश्वर हमारा रिश्ता आपसे जुड़ सके, ताकि हमारा रिश्ता आपसे और मजबूत हो सके। पिता परमेश्वर, पहले आदम के द्वारा पिता परमेश्वर पाप आया और आपसे उस पाप ने दूर कर दिया, लेकिन पिता परमेश्वर अपने एक लौते प्रिय पुत्र को दूसरा आदम के द्वारा तूने पिता परमेश्वर आपने हमसे रिश्ता जोड़ा, और वो एक ऐसा रिश्ता जो कभी टूट नहीं सकता। हालेलुया, और तूने हमसे इतना प्रेम किया पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रेम करें या ना करें खुदा, आप हमसे प्रेम करते हैं, हम आपको जाने या ना जाने, लेकिन पिता परमेश्वर आप हमें जानते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करते प्रभु। हम तेरे प्रेम को पहचानने वाले बन जाए, तेरे प्रेम को चखने वाले बन जाए। हालेलुया, बाबा बाबा बारिश करने लगा, राधा दादा नला रा बाला रा बाबा बारिश करने
धन्यवाद ईशु, धन्यवाद ईशु, धन्यवाद ईशु, हालेलुया। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा, पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह, तूने हमसे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, जो कोई तेरे ऊपर ईमान लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाता है खुदा, हालेलुया। यीशु मसीह जो तेरे ऊपर ईमान लाता है वो अनंत जीवन को पहुंचता है। यीशु मसीह जो तेरे ऊपर ईमान लाता है वो आशीष को पाता है। यीशु मसीह जो तेरे ऊपर ईमान लाता है वो चंगाई को और छुटकारे को पाता है। हर शैतान शैतान की योजनाओं को फेल करता है यीशु के नाम से, हालेलुया। रबा संदा रबा ओ रिखना ल रबा बाबा रिशकना ल रति। आज यीशु मसीह के नाम से शैतान के हर एक योजना फेल हो न पाए यीशु के नाम से, हालेलुया। यीशु के नाम से हर युक्तियां शैतान शैतान के हर युक्तियां खत्म हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस के ऊपर शैतान के वो खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, शैतान को उतार कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया यीशु के नाम से, हालेलुया। खमा बाबा बारिशकन लरा दादा दादा लरा बाला रबा बाबा रिशकन लरा तिना लरबा। यीशु मसीह तूने उसके सिर को खिचल दिया, यीशु मसीह तूने उसके सिर को खिचल दिया, ओ रबा संदरा बाबा बारिशकन लरा थी यीशु के नाम से, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मेरे प्रभा बहनों के लिए प्रार्थना करता प्रभु, जो प्रार्थना में बैठे हैं परमेश्वर यीशु मसीह, आपने हमारी आराधना को कबूल किया परमेश्वर, क्योंकि आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगा है, आराधना में आशीष है, आराधना में सब कुछ है, हालेलुया। जो पिता परमेश्वर तू हमें देता है वो हमें छुटकारा देता है, हमें आशीष देता है, इसलिए आपका धन्यवाद। और यीशु मसीह के नाम से प्रभा बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जिन्होंने आराधना किया अब प्रार्थना में बैठे परमेश्वर, उनकी प्रार्थनाओं को तू सुनने वाला परमेश्वर, उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाने को सुनने वाला परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, तेरा वचन कहता है संकट के दिन यहोवा को पुकार वही तेरा सुनेगा, हालेलुया। और तेरा वचन कहता है मुझे पुकार मैं तुझे उत्तर दूंगा, हालेलुया। अपना मुंह पसार में उसे भर दूंगा, तेरा वचन कहता है। पिता यर्मिया में लिखा है तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे इतनी बड़ी कठिन और अच्छी बातें बताऊंगा जो अभी तक तू समझता नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर आपने हमारे लिए योजनाएं बनाई हैं, वो योजनाएं हानि के लिए नहीं बल्कि कुशल की है, हालेलुया। और यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, हालेलुया। पिता परमेश्वर तूने हमारे लिए वो बातें रखी है जो कभी हमारे चित्त में नहीं चढ़ा, हमारे विचार में भी नहीं आया, ऐसी ऐसी बातें हमारे लिए तूने रखी है परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर आपसे हमें प्रेम करने की और साहस दीजिए, और पिता परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि से भरिए, और पिता परमेश्वर आपसे हम लिपटे रहें, हमें ऐसा ज्ञान दे, ऐसा बुद्धि दे, ऐसी सामर्थ्य आत्मा से भर दे, ताकि पिता परमेश्वर हम आपसे लिपटे रहे हमेशा, हालेलुया। रबा संदा रबा ला रबा बाबा पिता परमेश्वर मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर एक निवेदनों को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ परमेश्वर। उस पिता मैम के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, उसके सेहत के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनका प्रार्थना निवेदन आया परमेश्वर यीशु के नाम से, उनके सेहत को पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर सही कीजिए परमेश्वर, वो उनके शरीर में कमजोरियाँ हैं प्रभु, कई प्रकार की तकलीफ है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, उनकी तकलीफ को दूर कीजिए, कमजोरी को दूर कीजिए और स्वस्थ कीजिए यीशु के नाम से, हालेलुया। क्योंकि यीशु आप उस तेरी बेटी के लिए वो कोड़े खाए, उस बेटी के लिए आपने दुख सह लिया, इसलिए परमेश्वर उसे स्वस्थ कीजिए, क्योंकि पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से वो भली चंगी हो जाए, और पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा उस बेटी के द्वारा होने पाए, हालेलुया। खमा बाबा बारिश कना ला रथी। उस बहन के लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जिसको पिता परमेश्वर घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उसका घुटने का दर्द, कमजोरी, कष्ट, पीड़ा यीशु के नाम से दूर हो जाए, यीशु के नाम से दूर आ जाए, यीशु के नाम से दूर हो जाए, क्योंकि यीशु तेरे कोड़े खाने से वो बेटी चंगी हो गई, हालेलुया। उस बहन के लिए भी प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, पेट में जो भी परेशानी है, कमजोरी, कष्ट, पीड़ा यीशु के नाम से दूर हो जाए। वो डॉक्टरों ने तो कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन पहले यीशु मसीह के नाम से तो छुटकारा देने वाला परमेश्वर, आप डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य परमेश्वर यीशु के नाम से, खमा बाबा बाबा रिश कना ला रा दा 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 ना ला रा बाबा बाबा रिश कना ला रा थी यीशु के नाम से। ओ पिता परमेश्वर ऑपरेशन ना हो, लेकिन अपने हाथों के द्वारा तू ऑपरेशन कीजिए, हालेलुया। रबा संदा रबा ला रबा यीशु के नाम से, हालेलुया।
धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता, हम लगातार उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जिनको अभी तक औलाद नहीं है प्रभु, वो उनकी आंसुओं को टूटने ना दे, क्योंकि तूने पिता परमेश्वर उनके लिए वो योजनाएं बनाई है, कल्पनाएं की है, वो हानि के लिए नहीं बल्कि उनके लिए कुशल की है। हालेलुया, और उनकी आशा पूरी होने वाली है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उनके कोख को खोल दीजिए, प्रभु यीशु के नाम से उनके गर्भ को खोल दीजिए, यीशु के नाम से रबा संदरबा, यीशु के नाम से उनकी हर कमजोरी कष्ट पीड़ा दूर हो जाए, उनके शरीर से हर तकलीफें खत्म हो जाए, ऐसे प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं यीशु। आपने प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर, उस भाई के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु, लगातार वो प्रार्थना कर रहा है प्रभु। पिछले दिनों में पिता परमेश्वर वो बीमार में था, वो पिता परमेश्वर कोरोना पॉजिटिव था, लेकिन परमेश्वर तूने उसको चंगाई दिया, छुटकारा दिया, इसलिए आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता। और आप में आगे बढ़ते जाए, और आप में आगे बढ़ते जाए, और परमेश्वर आने वाले दिनों में दोनों पति पत्नी मिलकर आपकी महिमा, आपकी सेवा करने वाले बन जाए। हालेलुया पिता परमेश्वर, उनका फिर से उजड़ा हुआ परिवार बसने पाए, से प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। शैतान कई योजनाएं बनाता है, लेकिन शैतान की युक्तियों को आपने फेल कर दिया, इसलिए आपका धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद यीशु, उस भाई के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, उस भाई को भी पिता परमेश्वर छू लीजिए, वो पिछले दिनों में टाइफाइड हो गया था, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर उसको चंगाई दिया, छुटकारा दिया, इसलिए आपका धन्यवाद। उनके परिवार, उनके बच्चों को, सबको आशीष दे परमेश्वर। हालेलुया, उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनकी प्रार्थना निवेदन पिता परमेश्वर पिछले दिनों में नहीं हो पाए, वो पिता परमेश्वर आज मैं उनकी प्रार्थना निवेदनों को रखता हूँ परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार का उजड़ा हुआ परिवार बसने पाए परमेश्वर। अकेलेपन को दूर कीजिए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। तेरा वचन कहता है मैं तुझे ना तो धोखा दूंगा, ना कभी छोड़ूंगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा। हालेलुया, और पिता परमेश्वर जिनको जॉब की आवश्यकता है प्रभु, उनको जॉब मिल जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन से हर प्रकार का क्लेश, संकट, मुसीबतें, चिंताएं, कर्जा का श्राप यीशु के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर। जो शादी के बंधन में बंधने वाले प्रभु, उनको भी तेरे हाथों में सौंप देता परमेश्वर, यीशु के नाम से अच्छा जोड़ा। और पिता परमेश्वर भली पत्नी, भले ओ पति मिलने पाए परमेश्वर, और अच्छा रिश्ता जुड़ने पाए यीशु के नाम से, ताकि पिता परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर। पिता आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया परमेश्वर, पूरा आदर और इज्जत आपको देते परमेश्वर। ओ पिता आप हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करते प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हर एक निवेदनों को फिर से मैं तेरे पास लाता हूँ प्रभु, यीशु के नाम से आशीष दीजिए। और पिता परमेश्वर उन भाई बहनों के लिए विशेष करके प्रार्थना करते हैं जो किसान लोग हैं प्रभु, यीशु के नाम से उनकी फसलों को पिता परमेश्वर कीड़ा काई ना खाने पाए, कोई किसी प्रकार की हानि नुकसान ना होने पाए। ओ भूमि को आदेश दे, ताकि पिता परमेश्वर भूमि, पिता परमेश्वर अच्छी फसल को उगाने वाली बन जाए, और आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर एक बहुत अच्छे ओ फसल उगने पाए और बड़ी होने पाए, और पिता परमेश्वर फसल ओ पिता परमेश्वर कटनी का समय होने पाए परमेश्वर, एक अच्छा समय होने पाए, ऐसे प्रार्थना करते हो प्रभु। ओ पिता परमेश्वर किसानों को पानी की जरूरत है प्रभु, ओ तेरे वचन कहता है मैं तेरे लिए मेह बरसाऊंगा, समय समय पर तेरी भूमि पर मेह बरसाऊंगा यीशु के नाम से। हालेलुया, आप मेह बरसा दीजिए खुदा। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, पूरा आदर और इज्जत और जलाल हम आप ही को सौंपते परमेश्वर। एक बार फिर से परमेश्वर हर एक प्रार्थना निवेदनों को तेरे हाथों में सौंप देते प्रभु, हमारी गलती हमारे गुनाहों को आप क्षमा कर दीजिए। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, पूरा आदर और इज्जत और जलाल हम आप ही को सौंपते हैं परमेश्वर। हमारा देह जीवन प्राण आत्मा को तेरे हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में होकर आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। प्रभु ने हमसे इतना प्रेम किया मेरे दोस्तों, उस मेमने के समान जो वध किया जाता है, उस मेमने के समान वो अपने आप को वध कर दिया, लेकिन शैतान की शक्तियों को उनको खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। हालेलुया, प्रभु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, प्रभु के मार खाने से हम चंगे हो गए मेरे दोस्तों। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के नज़दीक में रहें, प्रभु में आगे बढ़िए मेरे दोस्तों। हालेलुया, प्रभु के वचन को पढ़िए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए और उसकी आराधना कीजिए। प्रभु आप सभी को आशीष दें, वचनों को, प्रार्थनाओं को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी मिलकर परमेश्वर की एक सेना बन जाएं और प्रभु की महिमा करने पाएं। आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम ज़रूर उनका जवाब देते हैं, हम देखते हैं कि किसका क्या निवेदन आया है। आप जरूर प्रार्थना निवेदन दीजिए, हमारी स्वाटर कलीसिया जो प्रभु की है वो आपके लिए प्रार्थना करती है, और अब वो चाहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु में बढ़ते रहें। हालेलुया, प्रभु में सदा आनंदित रहें, खुश रहें, सबको जय मसीह की।